चकिया बोले चकिया बोले, गुरुर गुरुर चकिया बोले चकिया बोले, धर्म धर्म और सच और झूठ के भेद ये सारे खोले, गुरुर गुरुर चकिया बोले चकिया बोले, अनोखा जीवन का व्यवहार अनोखा मानव का संसार, अपने स्वार्थ और हित के कारण बने हुए हैं फफोले, गुरुर गुरुर चकिया बोले चकिया बोले। क्या बात है बेटी? बोल। नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं। बेटी, अपनों से अपने दुख दर्द की बात कहने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। मन का बोझ हल्का जरूर हो जाता है मौसी, पर दुख दूर नहीं हो जाते। असल में मौसी, औरत का जन्म ही दुखों का जन्म होता है। रो मत माया, नसीब को कोसने या रोने से कोई फायदा नहीं होता। सच मौसी, कभी कभी तो मर जाने का बेहद मन करता है। अरे मुसीबतें तो सब पर आती हैं, लेकिन जिंदगी से इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। अरे किसका? कमों का? खूबू चकिया जो बोले, मनवा बेबसुई के डोले, कैसे दिल का सुनाओ अपने हाल रे, सुख के पेड़ उगा के दुख के फल हाथ लागे, कैसे निर्दय जमाने की चाल रे, कैसे थे सपने सजाए, आँख खुलते ही निकले वो साए, घूघू चकिया जो बोले, मनवा बेबसुई के डोले, कैसे दिल का सुनाओ अपने हाल रे। कम्मो ससुराल में सुखी नहीं है, ये बात तो मैंने भी सुनी थी। मौसी, ससुराल में सुख ना भी हो, पर अगर अपना आदमी अच्छा हो तो दुख उठाना भी भारी नहीं लगता मौसी। पर घर वालों के कहने से आदमी हाथ चलाए, गाली गलौज करे, मारने की धमकी दे। अच्छा, तो बात यहाँ तक बढ़ गई है? अरे मैं तो ये कहूंगी कि ऐसे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं जहाँ अपनी जान और इज्जत दोनों का खतरा हो। वो घर घर नहीं होता। यही बात कम वो भी कहती है मौसी, लेकिन मौसी, औरत की टोली एक बार ससुराल जाती है तो वहां से उसकी अर्थी ही वापस निकलती है। ये बातें तो पुरानी हो गई, अब तो लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, अपना जीवन बनाती हैं। कम्मो भी तो पढ़ी लिखी है ना? हमारे जमाने की बात और थी, जब जिस खूंटे से बांध दिया बंधी रही, जुल्म सहती रही। अब जमाना बहुत बदल गया है, लड़कियां बेजुबान गाय नहीं रह गई। जरा ध्यान से सुन लो सखी तुम, जरा ध्यान से सुन लो, जरा ध्यान से सुन लो सखी तुम, जरा ध्यान से सुन लो,
समय जो बदला नारी का जीवन भी साथ में बदला। घुट कर घर के अंदर मरना हुआ पुराना मसला। चेतन बन कर नव जीवन की नई राह तुम चुन लो। जरा ध्यान से सुन लो, जरा ध्यान से सुन लो, जरा ध्यान से सुन लो सखी तुम, जरा ध्यान से सुन लो। एक महीना हुआ कमो ससुराल से वापस लौट आई मौसी। बहुत समझाया बेटी, वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। कहती है मेरे गले में रस्सी बांध कर मुझे गहरे कुएं में डाल दो और अब मैं उस नरक में नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं सोचता मौसी कि मैं क्या करूं। अरे वही करो जो चेतना ने किया था। चेतना? अरे वही मेरी देवरानी की लड़की चेतना, जिसकी 5-6 बरस पहले शादी हुई थी ना मौसी। हाँ, 1 साल पहले तो ऐसा लगता था कि वो खुदकशी कर लेगी या पागल हो जाएगी। वो क्या बात थी मौसी? चेतना जैसी सुंदर और समझदार लड़की तो शायद ही कोई हो। पढ़ने में तेज और बोल चाल में होशियार। हमीरपुर के जमींदार विजय सिंह बारात में गांव आए, वहां उन्होंने चेतना को देखा। बस अपने लाडले इकलौते बेटे वीर सिंह की शादी का रिश्ता पक्का कर दिया। वीर सिंह 22 साल का होते हुए भी 30-32 साल का मुस्तंडा लगता था। अपने पिता की अनदेखी के कारण वो बहुत बिगड़ गया था। दूर से देखा मैंने। दूसरों पर रौब जमाना, गांव की लड़कियों को छेड़ना, अपने साथियों और अध्यापकों पर अमीरी की रौब जमाना, शराब पीना, ये तो उसके लिए मामूली बातें थी। और पढ़ाई में बिल्कुल कोरा। विजय सिंह को अपने जमींदार होने का बड़ा गुमान था। वो अपने आप को किसी महाराजा से कम नहीं समझते थे। अक्सर गांव के लोगों को भी उनके क्रोध और घमंड का शिकार होना पड़ता था, जबकि उनकी पत्नी दुर्गा एक समझदार औरत थी। बाप बेटों की हरकतों से परेशान रहती थी, मगर उसकी एक न सुनते। जानते हो आज क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बहुत गुस्से में हो। अरे मेरे गुस्से से भी क्या फायदा? कुछ पता है तुम्हारे लाडले ने क्या किया? आज सवेरे पुलिया पर एक लड़की के चक्कर में बीरू ने शंकर के लड़के का सर फोड़ दिया। मैंने डाटा तोड़कर चल दिया। ऐसे बेटे के होने से तो बेहतर था कि मेरा। क्या बेहूदी बातें करती हो? अनाप शनाप जो जी में आता है बकती रहती हो। कितनी बार कहा कि जवान बेटा है, ये सब करने के तो उसके दिन हैं। और फिर बेटा किसका है? मर्द की औलाद मर्द ही होती है, समझी? शादी के बाद भी वीर सिंह के रंग ढंग में कोई फर्क नहीं आया। चेतना तो परेशान हो गई होगी मौसी। चेतना तो बहुत समझदार लड़की थी, उसमें पढ़ने लिखने की बहुत ललक थी। वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। वो शादी के भी खिलाफ थी, उसकी माँ ने भी मना किया था, मगर उसके पिता और मामा के आगे उन दोनों की एक न चली। उसके पिता की आंखों पर तो विजय सिंह की अमेरिका पर्दा पड़ गया। फिर क्या हुआ मौसी? चेतना ने शुरू में तो अपने पति को समझाने और सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है भला? चेतना का जीवन नरक बन गया। क्यों? क्या गांव में वीर सिंह को समझाने वाला कोई नहीं था मौसी? अरे समझाया तो उसे जाता है जिसे समझने की कोई इच्छा हो। विजय सिंह को अपने ही अपने लाडले बेटे में कोई बुराई नजर नहीं आती थी। फिर गांव के लोग उन दोनों से डरते भी थे। फिर क्या हुआ? फिर 5 साल तक तो चेतना इसी आशा में जीती रही कि शायद उसका पति कभी सुधर जाएगा।
देखने सुनने वाले लोग भी ये कहकर समझा देते कि जब बच्चा हो जाएगा तो कुछ फर्क पड़ जाएगा, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। विजय सिंह को दादा बनने की बड़ी तमन्ना थी और पोता न होने की वजह वो चेतना को ही समझते थे। चेतना उनकी आंखों में खटकने लगी, उसे दुश्मन दिखाई देने लगी। और एक दिन जब चेतना ने अपने कानों से सुना, मैंने फैसला कर लिया है। फैसला कर लिया है किस बात का? वीरू की शादी को 5 बरस हो गए और मैं अभी तक पोते का मुंह देखने के लिए तरस रहा हूं। मुझे तो लगता है बहू बांझ है और बांझपन का कोई इलाज भी नहीं है, इसीलिए मैं वीरू की दूसरी शादी करूंगा। दूसरी शादी? और अगर उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो? मनहूस बातें मुंह से निकालने से पहले सोचते भी नहीं। और फिर हमारे खानदान में तो 2-2, 3-3 बीवियों का पुराना रिवाज है। और बहू, उसका क्या होगा? ये तो अन्याय हो गया मौसी। चेतना पर जो बीती सो बीती, लेकिन उसके बाप को जब पता चला तो वो सह नहीं पाया। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। बहुत बुरा हुआ मौसी। माँ खुद बेसहारा हो गई तो बेटी को क्या सहारा देती। मजबूरी में चेतना घुट घुट कर ससुराल में रहने लगी। कैसा घर और कैसी ससुराल। बस एक ही औरत थी उषा, जिससे वो अपने दुख दर्द की बात कह लेती थी। उषा हमारे गांव के लोगों को पढ़ाती थी, लिखाती थी, समझाती भी थी। उनके बीच उनके दोस्तों जैसी थी। और उसके लिए एक ही साधन है, एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। चेतना ने अपनी सारी बातें उससे बता दी। दूसरी शादी की बात तो तब बाद में उठेगी ना। मेरी बात सुनो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो तुम्हारा इलाज करेंगे। आओगी ना? देखो, तुम्हारे शरीर में ऐसी कोई कमी या खराबी नहीं है जो तुम्हारी माँ बनने में रुकावट हो सके। तुम अवश्य माँ बन सकती हो। डॉक्टर साहब, शादी के 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, कोई तो कारण होगा। ये तो इनके पति के टेस्ट करने के बाद ही कहा जा सकता है। आप उनको ले आए तभी मालूम होगा। ज्यादा पक पक करने की जरूरत नहीं है। वो 2 टके की डॉक्टर मेरा टेस्ट लेगी। तुम कान खोल कर सुन लो, तुम्हें जितना टेस्ट वेस्ट करवाना है करवा लो। मुझे अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किसी डॉक्टर की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप तो बेकार ही नाराज हो रहे हैं, भला टेस्ट करवाने में हर्जी क्या है? ज्यादा बक बक करोगी तो मैं छोटा करके खड़ा करूंगा। इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? इसी को कहते हैं चोरी, उस पर से सीना चोरी। मगर उसी रात चेतना ने भी फैसला कर लिया कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी, और दूसरे ही दिन वो अपने मायके चली आई। माँ पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा होगा मौसी। माँ ने तो पहले बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने ठीक नहीं किया, मगर जब चेतना ने पूरी बात बताई तो वो खून के आंसू पी कर रह गए। ठीक वैसा ही जैसा मेरे साथ हुआ है। खैर मौसी, आगे क्या हुआ? होना क्या था, चेतना ने नर्सिंग की ट्रेनिंग में दाखिला ले लिया और इसी दौरान उसे पता चला कि वीर सिंह की दूसरी शादी तय हो गई है। चेतना का तो दिल ही टूट गया होगा मौसी। अरे ना, वो तो पहले ही टूट चुका था। बल्कि उसने तो ये फैसला किया कि वो दूसरी लड़की का जीवन नट नहीं बनने देगी। वो कैसे? क्या वो उस लड़की से मिली थी? नहीं, ये तो पीछे से वार करने जैसा हुआ। उसने उषा बहन की सलाह से अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अकेली औरत ने? अकेली क्यों, उसकी मदद हमारे गांव के युवा वकील
उदय सिंह ने की थी। ये उदय सिंह कौन मौसी? अरे वही अपने गांव के मास्टर का लड़का। उदय सिंह ने जान लड़ा कर मुकदमा लड़ा। विजय सिंह और वीर सिंह को भी कचहरी में बुलाया गया और डॉक्टर ने भी साफ साफ बयान दिया। और चेतना, चेतना ने भी सारी लाश शर्म छोड़कर सब कुछ बता दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और डॉक्टरों की अलग अलग टेस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर यह अदालत यह महसूस करती है कि श्रीमती चेतना के संग अक्सर अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा है। अतः हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत यह अदालत श्रीमती चेतना का प्रार्थना पत्र स्वीकार करती और विवाह संबंध विच्छेद करती। चलो, छूट तो गई बेचारी। अब देखो ना कितना बड़ा अंधविश्वास है। बच्चा न होने के लिए औरत को ही पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि मर्द भी उतना ही जिम्मेदार होता है। आप क्या कर रही है चेतना? चेतना नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही है। ऐसा लगता है जैसे उसे नया जीवन मिल गया है। शादी कब कर रही है? शादी? चेतना, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। अब क्या करोगी? क्या करूं? वही जो कर रही थी। मेरा मतलब था भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? हाँ, ट्रेनिंग खत्म होते ही कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर और कोशिश करके और आगे बढ़कर और अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ा होना चाहती हूँ। अच्छी बात है। मैं कह रहा था शादी के बारे में कुछ सोचा है? क्यों, क्या शादी करना बहुत जरूरी है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शादी एक सामाजिक आवश्यकता और सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी चीज तो है ही। मैं ऐसा नहीं समझती। और फिर अभी कल ही तो ये सब झंझट खत्म हुए हैं, इस बारे में सोचने की मेरे पास फुर्सत नहीं है और मैं इस बारे में अभी सोचना भी नहीं चाहती। तब क्या करोगी? वही जो मुझे करना चाहिए, अपने पैरों पर। मगर चेतना, मेरी बात तो पूरी होने दो। आज तक लड़कियों के जीवन में शादी को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या शादी ही जीवन का आदि और अंत है? ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। हो सकता है वक्त आने पर कर भी लूं, पर जब से मैंने नया काम शुरू किया है तब से मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का, आत्मनिर्भर होने का एहसास बराबर गुदगुदाता रहता है और मैं इस सुख को बहुत दूर तक अनुभव करना चाहती हूँ, बहुत दूर तक। नव प्रभात की बेलाई, जागो भारत की हर नार, अपनी जीवन नैया की तुम थामो हाथों में पतवार, अपनी शक्ति को पहचानो तुम, अपनी योग्यता को जानो तुम, अपनी शक्ति को पहचानो तुम, अपनी योग्यता को जानो तुम, अपने पाँव खड़ी रहो तुम, मिल जाएंगे रास्ते हजार। नव प्रभात की बेला आई, जागो भारत की हर नार, नव प्रभात की बेला आई, जागो भारत की हर नार।